दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से हमारे देश के छात्र जो है विदेशों में डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं। एक बार की घटना है, जब मैं अपने देश से इधर रशियन कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं रशियन कंट्री जा रहा था तो हमारी जो फ्लाइट थी उसमें 75% बच्चे कॉलेज के थे, तो काफ़ी डिस्टरबेंस भी कर रहे थे जो फ्लाइट में मैडम होती हूँ उनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी सी कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। जो भी हो, फिर हम उतर गए। फिर जब मैं उस कंट्री में पहुँचा तो वहाँ पूछा, भाई इतने इंडियन छात्र यहाँ क्यों आते होंगे? तो फिर देखा, वहाँ पता किया तो ये पढ़ने आते हैं, वहाँ MBBS करने आते हैं। और ये कौन से छात्र हैं जो दूर दराज गाँव से, जिनकी अच्छी खेती है, खेतों में मैंने अच्छा उत्पादन होता है, काफ़ी अच्छे किसानों के बेटे हैं, लेकिन वो हमारे देश की जो एंट्रांस एग्ज़ाम्स हैं या जो भी मेडिकल लाइन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये विदेशों में जाके 14-15 लाख रुपए में एक MBBS की डिग्री 5 साल में पा जाते हैं, लेकिन वे MBBS की डिग्री हमारे कंट्री में वो वैलिड नहीं होती, वो वहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिस तब तक नहीं कर पाते जब तक वो कोई एक और पेपर उनको क्लियर करना पड़ता है, तब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विदेशी जहाँ मैं रहा हूँ रशियन कंट्रीज़ में, वहाँ हमारे इंडियन डॉक्टरों की बहुत ही इज्जत है और बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जो वहीं के क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज से जिन्होंने MBBS कर रखा, उनकी कोई वैल्यू नहीं मानते वो लोग भी, और हमारे देश में भी नहीं होती। लेकिन फिर मैंने सोचा ये ऐसा क्यों होता है कि फिर भी ये लोग यहाँ पढ़ने आते हैं? तो इसका मेन कारण ये है कि जब ये वापस MBBS की डिग्री लेकर हमारे देश जाते हैं तो एक डॉक्टर बोल के जाते हैं, और वहाँ उनको जब शादी होती है इनकी तो अच्छा दहेज मिल जाता है, करोड़ों में दहेज मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चल रही है, और फिर उस रुपए से वो चाहे अपना क्लिनिक खोले चाहे कुछ भी खोले, है उसका जो भी है। और इस प्रकार से विदेशों में जो अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी बहुत छात्र फंसे हुए थे, तो उनको भी वापस लाना पड़ा, तो वही छात्र थे वो जो इस तरह से, जिन्हें हमारे देश में पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं होते तो विदेशों में जाके, विदेशों मतलब ये रशियन कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं कि यूरोप या अमेरिका में पढ़ते हैं, यूरोप और अमेरिका की जो शिक्षा प्रणाली है या जो डॉक्टरी व्यवस्था है वो हमारे देश से भी अच्छी है, लेकिन रशियन कंट्रीज़ में सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्टर्स वहाँ के पढ़ाई जो है वो एक बिजनेस है, वहाँ यूनिवर्सिटी खोल रखी है, सस्ते सस्ते फीस पे वो डॉक्टर बना देते हैं और बच्चों को क्वालिफाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में वो वापस आते हैं तो वो डॉक्टर नहीं कहे जाते, इस प्रकार से ये मैं समझूंगा कि बहुत ही गलत है। और ये जो छात्र हम बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको यही हमारी इंडिया में ही व्यवस्था की जाए ऐसी कि जिस प्रकार से वो वहाँ 5 साल गुजारते हैं अपनी MBBS डिग्री प्राप्त करने के लिए, अगर वो इच्छुक हैं तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए, उनको भी कोई क्रिटेरिया चेंज करना चाहिए, और इसमें वो 5 साल में ज़रूर क्वालिफाई हो सकते हैं, कुछ तो सीखेंगे, वहाँ की पढ़ाई इसमें और हमारे देश की पढ़ाई में जमीन अंतर का फ़र्क है, यही मैं कहना चाह रहा था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।